प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 यानी जलवायु परिवर्तन पर होने वाले दुनिया के सबसे बड़े इस वैश्विक मंथन पर भाग लेने के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हैं और आज उन्होंने भारतीय समुदाय के कुछ लोगों से भी मुलाकात की और इस वक्त हमारे साथ दो खास युवा हैं जिन्हें जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ही और इस मामले में एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर अर्थशॉट पुरस्कार से नवाजा भी गया है। इस वक्त हमारे साथ विद्युत मोहन है। विद्युत, आपको अर्थशॉट पुरस्कार मिला है, ये जलवायु परिवर्तन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है जिस काम को आपने किया, और भारत के लिए चुनौती काफ़ी बड़ी है। अगर हम पराली की बात करें तो अगर आप बता सकें कि जो समाधान आपने निकाला है वो किस तरीके से कारगर है और भारत की इस चुनौती को कम कर सकता है। जी, हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो लो कॉस्ट है और खेत के जो अपशिष्ट होते हैं जो फसल कटने के बाद बच जाते हैं और जला दिए जाते हैं, किसान उसको इस्तेमाल मशीन में कर सकते हैं और उसको ईंधन और उर्वरक में बदल सकते हैं, जिससे गांव में आजीविका भी पैदा होगी और उसके साथ साथ प्रदूषण भी मिट जाएगा। विद्युत, ये जो आपने मशीन बनाई है इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका लोकलाइजेशन, ये कैसे और कब हो पाएगा, क्योंकि आपको इसके लिए अर्थशॉट पुरस्कार में एक आर्थिक सहायता भी मिली है। जी, हम मशीन को हमने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है। सारे कंपोनेंट्स हमारे इंडिया से ही हैं, इंडिया में ही बन रहा है और अभी इसकी फैब्रिकेशन हमारी यूनिट इंडिया में भी है और इसको अभी हम फील्ड में इसी महीने, अगले एक दो महीनों में इसको हम किसानों के साथ ट्रायल करना शुरू कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से जब आपने मुलाकात की तो आपने उन्हें क्या बताया और उन्होंने क्या कहा? मुलाकात में हमने मशीन के बारे में प्रधानमंत्री को बताया और वो जानने को उत्सुक थे कि किसान इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं और इसकी अडॉप्शन हो रही है कि नहीं। तो कब तक आप इसे मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे, क्या आपने बताया उन्हें? जी, तो हमने ऑलरेडी हमारे दो पायलट इसके स्टार्ट हो चुके हैं, एक हरियाणा में जो पराली का इस्तेमाल करेगी और उसको उर्वरक में बदलेगी और एक तमिलनाडु में जो नारियल के शेल को इस्तेमाल करके एक्टिवेटेड कार्बन रॉ मटेरियल बनाने का काम करेगी। इसकी एक अमूमन लागत कितनी होगी? जी, तो ये हमारी कोशिश रही है कि मशीन को सस्ते से सस्ता बनाएं, तो ऐसे जो मशीन हैं जो बड़े पैमाने पे बनते हैं उनकी कीमत होती है 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, उससे भी ज़्यादा, लेकिन हम इसको 5 लाख में ही बना पा रहे हैं। इस वक्त विनीशा मोहन भी हैं, उनसे पूछते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को कुछ कागजात भेंट किए, क्या कागजात थे? सो विनीशा, व्हाट डिड यू शेयर विद प्राइम मिनिस्टर? Well, we met the Prime Minister today and I shared with him a few files of mine about the solar iron cut and I also gifted him a fact sheet of India and a fact sheet of my state, Tamil Nadu. Okay, and you know that India has initiated the International Solar Alliance, so how your initiative can help building more robust structure? So the solar ironing cut is a solar product itself which allies with the policies of their new development. So with the solar ironing cut, I'm planning to bring it across India in the next year or so. That should really help. And from where did you get this idea? How old are you? I'm 15 years old and I got this idea when I was 12 years old, so back in 7th grade. And I got this idea when I saw an ironing vendor in my street and he was using charcoal. It's normal and I thought this problem was overlooked often. So I decided to find a solution to it. And can you explain to our viewers that how does it work? Yes, the solar ironing cut basically has 2 solar panels and it produces electricity. It will either go to the ironing box directly or it will go to the batteries for later usage, maybe in the night or during monsoon season. So no electricity goes to waste. And did you think about the industrial production cost of it? How, you know, at what cost it would be available? Yes, it will be available from anywhere to 40 to 50,000, but we are working on mass production, so probably the cost will be lowered in the future. Okay. So, ये थे दो यंग एंटरप्रेन्योर जिन लोगों ने जलवायु परिवर्तन के मामले पर भारत के स्वदेशी सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश की है और इस तरीके से जब ग्लासगो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे अपना दौरा जब COP26 की बैठक के साथ, तो भारत के पास न केवल इन चुनौतियों से मुकाबले के तरीके होंगे बल्कि समाधान के फॉर्मूले भी होंगे। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, ग्लासगो, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।